अब तक आपने देखा, मंजू की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बहुत दर्द होता है और डॉक्टर बताती है कि बच्ची को दूध नहीं पिला पाने की वजह से मंजू को ये तकलीफ हुई है। डॉक्टर मंजू को बच्ची को दूध पिलाने की सलाह देती है, लेकिन बच्ची मंजू का दूध नहीं पीती। तारा इस पर बोल पड़ती है कि बच्ची ने मंजू को ठुकरा दिया है। मंजू को यह बात बहुत बुरी लगती है। फूलेश्वरी माधव को बुलाकर कहती है कि उसे जल्द ही अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देर सवेर अदित्रि मंजू के पास चली जाएगी और तब सरोजा को एक कमी खलने लगेगी। फूलेश्वरी माधव को समझाती है कि सरोजा खुद माँ बनना चाहती है, इसलिए वो अदित्रि से इतना प्यार करती है। माधव सरोजा से ये बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये बात कह पाता, सरोजा अपने मन को समझाती है कि माधव जैसा साथ निभाने वाला जीवन साथी पाकर उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। वो जिस तरह से अदित्रि को साथ रखने में सरोजा का साथ दे रहा है, उसे वो कभी भुला नहीं पाएगी। माधव भावुक हो जाता है और सरोजा से फूलेश्वरी की बात नहीं कर पाता। अब आगे मंजू दीदी, खाना बन गया, आप खाने के लिए चलिए। अरे मंजू दीदी, आपका चेहरा तो एकदम अंगारों की तरह लाल हो गया है। हमको लगता है कि आपको किसी बात पर ना बहुत गुस्सा आया हुआ है। बताइए हमको जल्दी से, क्या बात है बताइए। तारा, हम देख रहे हैं आजकल तुम बहुत हद पार करने लगी हो। लो, अब ये कोई बात थोड़ी हुई। इस घर में ना जिसको देखो सिर्फ हम पर ही अपनी धौंस जमाता रहता है। एक आप भी हैं, पता नहीं किसका गुस्सा हम पर उतार रही है। अरे हम तो आपको खाना पूछने आ गए थे आपके अच्छे के लिए, और आप है कि अच्छा पूछने आई थी क्या तरस खाने? तुम इतना ख्याल रखती हो कि हर एक तकलीफ पर रगड़ रगड़ के नमक लगाती हो तुम। मंजू दीदी, आप हमें क्या नाप शनाप बोले जा रही हैं? क्यों, जब हमारी लड़की हमारा दूध नहीं पी रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हमें लात मार दी है। यही कहा था ना तुमने? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, समझी तुम? मंजू दीदी, हम है ना सब समझते हैं। हमें आदित्य के बारे में कुछ भी समझाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छा नसीब लेकर जन्मी है। इसीलिए चाहे गृह प्रवेश की पूजा हो या फिर नामकरण हो, उसके लिए जो जो इस घर में हो रहा है ना, हमारे गुड्डा के लिए आज तक उसका एक चौथाई भाग भी नहीं हुआ है। जबकि हमारा गुड्डा सही मायने में इस घर का इकलौता वारिस है, तब भी आपको ना सरोजा के पैर धोकर पीने चाहिए मंजू दीदी, क्योंकि आपकी बेटी के लिए इस घर में जो भी हो रहा है ना, सब लोग जो भी कर रहे हैं सिर्फ सरोजा की वजह से। वरना जैसे हमारे गुड्डे को किसी ने नहीं पूछा ना आज तक, आपकी बेटी को भी कोई पूछने वाला नहीं था। जितना कर लो उतना कम। क्या बात है मिसेस प्रमुख जी, बहुत मुस्कुरा रही हैं आप। क्यों मुस्कुराते हुए, अब हम आपको बुढ़िया लगते हैं क्या? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, अरे सारे दांत गिरने के बाद भी आप बुढ़िया नहीं लगेंगी। अरे हमसे भी बांटिए ना अपनी खुशी का राज। प्रमुख जी, आज ना हमारी माधव से बात हुई है और वो कह रहा था जल्दी ही खुशखबरी सुनाएगा हमें। माधव सरोजा जल्दी ही मम्मी पापा बन जाएंगे और हमारी गोदी में बहुत जल्द इस घर का वारिस खेलेगा कृष्ण कन्हैया बांके बिहारी। मिसेस प्रमुख जी, हमें आपकी खुशी और उम्मीद दोनों बहुत प्रिय हैं, लेकिन कभी कभी डर लगता है। डर?
किस बात का डर प्रमुख जी? किसी एक उम्मीद पर पूरी जिंदगी का दांव तो नहीं खेला जाता ना। कहना क्या चाहते हैं आप प्रमुख जी? आपके इसी रवैये से हमें डर लगता है। यही सपने, यही उम्मीद आपने दिन रात मंजू बहू के लिए भी बुनी थी और आप उससे इतना जुड़ गई कि अभी तक सच को अपना नहीं पाई आप। क्यों, ठीक कह रहे हैं ना? देखिए प्रमुख जी, हमें ना माफ कर दीजिए आप। अभी इस समय कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुनना हमें। अरे शुरू से ही दुनिया से ऊपर किस्मत रही है हमारी और आगे भी रहेगी। देखिएगा, मंजू बहू ने हमें जितना छोटा बनाया है ना, वैसे ही हमारा माधव, हमारा मान सम्मान बढ़ा देगा, वही देगा हमें पोते का सुख, वंश का सुख, वारिस का सुख। इंतजार कर रहे थे, आओ। अरे अरे देवर जी, फिर से कहाँ जा रहे हैं वापस? आप सरोजा को देखने जा रहे हैं ना, तो मत जाइए। उसको ना उसके हाल पर ही छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। नहीं तो फिर से ना भूखे पेट ना सोफे पर। अरे तारा बहू, जरा चुप हो जाओ। दूसरों की लगाई बुझाई करने में बहुत जबान फड़कती है तुम्हारी, और जहां जरा सा काम की बात बता दो तो ऐसा लगता है जैसे जबान पर दही जम गई हो। कल रात कहा था ना हमने, सुबह उठते ही गद्दे को धूप दिखा देना, याद रहा? बड़की अम्मा जी, हम बिल्कुल भूल गए, हम अभी जाके सुखा देते हैं। आ बेटा। ये क्या बात है बेटा, ऐसे कसमसाया सा है? रात नींद तो पूरी हुई ना? कि आदित्य ने मार भजन कराया फिर से रात भर? नहीं अम्मा, हमारी नींद अच्छे से पूरी हो गई है। जब तेरा अपना बेटा होगा ना, तो उसकी किया किया सुने बगैर नींद नहीं आएगी तुझे। क्यों प्रमुख जी? वैसे भगवान चाहेगा तो हमारा माधव भी साल भर के अंदर बेटे का बाप बन जाएगा, तब समझ में आएगा इसे औलाद का मोह क्या होता है। बेटा, सरोजा बहू से बात की तूने? वो भी मार सपने देखने लगी होगी है? चुप क्यों है बेटा, क्या कहा सरोजा बहू ने? नहीं अम्मा, वो दरअसल हम उनसे बात नहीं कर पाए अम्मा। सरोजा बहू के बस में होगा अपने मन को जुटलाना? तुम्हारे बस में होगा और इंतजार करना, लेकिन हमारा सबारा बच्चा जवाब दे चुका है। हमें इस घर का वंश, इस घर का चिराग चाहिए, तो मतलब चाहिए। जो तुम्हें उससे बात करने में झिझक हो रही हो तो हमें बताओ, हम कर लेते हैं बात। मिसेस प्रमुख जी, बच्चा है, हम सबके सामने ये सब पूछेंगे तो कैसे जवाब देगा बेचारा? यही तो बात है प्रमुख जी, कि ये लड़का है, लड़की नहीं है, जिससे बात करने से पहले 100 बार सोचना पड़े हमें। और वैसे भी प्रमुख जी, जो मांग रहे हैं हम इससे, वो इस घर का खजाना है, हमारा पोता,
तुम्हारा वारिस। और इसके लिए हमें इससे कहां, कैसे, क्या बात करनी है ये सोचने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, अम्मा ठीक कह रही। अम्मा, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको इस घर का वारिस देंगे। हमारा बेटा, और हम सरोजा जी से भी बात जरूर करेंगे। ये हुई ना बात। अरे बेटा, एक बात तो हम बताना भूल ही गए। अरे वो जो तुम्हारी शर्मा चाची थी ना, कई दिनों से एक साल लाकर रखी हमारे लिए, हम मंगा ही नहीं पा रहे। वो साल जाकर ले आओ तुम। हाँ अम्मा, अब कब जाना है? अरे अब भी जाना है, आज शाम को निकल जाएंगी वो कई दिनों के लिए बाहर। ठीक है, हम अभी ले आते। अब हमारी गुड़िया तैयार हो गई है ना? रुको, हम अभी आपके लिए दूध लेकर के आते हैं, भूख लगी है ना? ये तो आदित्य की डॉक्टर का फोन है। हेलो। हेलो जी डॉक्टर, बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए लाइएगा। हाँ हाँ, हम 12 बजे तक आदित्य को लेकर के पहुँच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अरे आप आ गए, सुनिए ना, डॉक्टर का कॉल आया था, वो कह रहे थे कि आदित्य को पोलियो ड्रॉप दिलवानी है, 12 बजे तक पहुँचना है, बहुत जरूरी है ये। सरोजा जी, 12 बजने में भी बहुत टाइम है, हमें आपसे कुछ बात करनी। सुनिए ना, 9 बज चुके हैं और 12 कब बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, बहुत सारा काम पड़ा है, हम बात बाद में कर लेंगे प्लीज। ठीक है सरोजा जी, आदित्य को पोलियो ड्रॉप सुलाना ज्यादा जरूरी है, हम बात बाद में कर लेंगे। देखा आदित्री, आपके चाचू वर्ल्ड के बेस्ट चाचू है ना। थैंक यू सो मच। अब जल्दी से दूध फिनिश कर दो, है ना, सारा दूध फिनिश कर दो। अरे वाह, चलो चलो जल्दी से पियो। अरे भात, फिनिश कर दिया, बहुत भूख लगी थी। चलो आदित्य, अभी जाना है ना पोलियो ड्रॉप्स के लिए, चल। चलो आदित्य, अब आराम कर, है ना। साढ़े 10 बज रहे हैं और हमें 11 बजे तक निकल जाना है ना आदित्री? आज आपका पहला पोलियो ड्रॉप, डरेगा मत, आपके चाचू और आपकी चाची आपके साथ है ना। साढ़े 11 बज गए, बहुत देर हो गई, हमें तो निकल जाना चाहिए था अब तक, कहाँ रह गए ये? फोन करते, फोन उठाइए मारा प्लीज, बहुत देर हो गई। हमने आपसे कहा था, हमने कहा था कि बहुत जरूरी है ये। कितना दिन हो गया तुमको यहाँ आए, पता है बचपन में हम कितना खिलाए हैं तुम्हें। चाची जी, हम बहुत जल्दी में, प्लीज आप हमें वो शॉल दे दीजिए ना जो अम्मा के लिए देनी है। आज हम कोई बहाना नहीं सुनेंगे। हाँ, और ये बताओ अकेले क्यों आए?
बहू को साथ में क्यों नहीं लाए? वो अच्छा, एक और बात बताओ, खुशखबरी कब सुना रहे हो? तुम्हारी अम्मा को तो खुशखबरी का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा। और देखो बेटा, बिचारी मंजू से तुम्हारी अम्मा को बहुत मायूसी हुई होगी। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चाची जी सुनिए ना, हमें प्लीज वो शॉल दे दीजिए, हमें मंजू भाभी की बेटी को अस्पताल ले जाना है पोलियो ड्रॉप्स के लिए। अरे तो पहले बोलना था ना, इतनी देर से बताया क्यों नहीं? ये लो सौ। और हाँ, फुलेश्वरी से कहना कि कभी फुर्सत निकाल कर इधर जरूर आए। जी चाची जी। ए शांति, इधर आना। ये लो। क्या बताए बेटा, इनकी ना बड़बड़ करने की बहुत आदत है, चुप तो ये बैठ ही नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम आना जरूर। चाची जी बुला रहे हैं आपको, अब जाइए ना। हाँ आना। हाँ 12 बजे वहां पहुंचना था और विंड की बातों ने तो हमारे ही 12 बजा दिए। बजने वाले, पता नहीं ये कहाँ रह गए। हमने कहा भी था कि बहुत जरूरी है। अरे सरोजा, इतनी हैरान और परेशान क्यों दिख रही हो? कोई ट्रेन छूट रही है क्या तुम्हारी? दीदी आपने इन्हें देखा है क्या? उनको मतलब माधव देवर्षि को? लो ये कोई बात थोड़े हुई। अब तुम ही बताओ, जब माधव देवर्षि घर पे होते हैं तो क्या हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं? हम तो उन्हें रोज देखते हैं। दी, हमारा कहने का मतलब है कि आपने उन्हें अभी देखा है क्या? हमें उनसे कुछ काम था, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। ओह, तो तुमको नहीं पता? बड़की अम्मा जी ने ना माधव देवर जी को अपनी सहेली के यहाँ भेजा है कश्मीर वाली साल लाने के लिए। वो शॉल लेने गए हैं। हाँ हमने उन्हें बताया भी था कि आदित्य को आज पोलियो ड्रॉप दिलवानी है। इतनी देर हो गई, क्या करें हम? अरे सरोजा, तो तुम्हारे बताने से क्या होता है? तुम्हारे बताने से क्या माधव देवर जी अम्मा जी की बात टाल देंगे? चाहे माधव देवर जी ना तुमको कितना भी प्यार कर ले, लेकिन अम्मा जी की एक आवाज पर ना वो सारी चीजें छोड़कर आ सकते हैं। हाँ ये कोई बात थोड़ी हुई। डॉक्टर से बात करते हैं। हेलो डॉक्टर, हमें आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, हम तुरंत आने की कोशिश कर रहे हैं। ओके थैंक यू। उनको देखते हैं फोन करके, क्या पता आ ही रहे हो। फोन उठाइए हमारा, वो नहीं उठा रहे, क्या करें? दीदी देखिए, इसको पोलियो ड्रॉप्स देना बहुत जरूरी है। जो भी हो, हम आदित्य की पोलियो ड्रॉप्स नहीं मिस कर सकते हैं। हम अकेले चले जाते हैं दीदी। अरे रुको भैया, आने वाले हैं। अरे क्या हो गया, पागल हो गई है पूरी की पूरी। करीना कपूर, ये तो बड़ी अच्छी लिपस्टिक लगाई है, हम भी लेकर आएंगे, हम भी उनको कहेंगे कि हमको ला के दे। कितनी अच्छी लगेंगे ना हम इसको लगाकर। आप आपका देखिए सरोजा जी, हम जानते हैं हमें बहुत देरी हो गई, लेकिन वो आपको पता है ना कि हमें पहले इतनी देर हो चुकी है पोलियो ड्रॉप देने में। आपको अंदाजा है आदित्य के लिए कितना जरूरी है। सरोजा जी हम जानते हैं ये सब। जानते हैं? अरे आपको कोई काम था तो कम से कम आप हमें बता के जाते। बताना तो छोड़िए, आपको हमने कितने फोन किए, 100 मिस्ड कॉल्स होंगे आपके फोन पर। खैर छोड़िए, अब कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी आदित्य के लिए सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। हम इसे अकेले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अरे लेकिन सुनिए सरोजा जी,